बॉलीवुड के वर्सेटाइल एक्टर गोविंदा अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और यूनिक डांसिंग स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 90 के दशक में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं, जिनमें ज्यादातर कॉमेडी फिल्में थीं। इन कॉमेडी फिल्मों में गोविंदा की पंच लाइन दर्शकों को हंसने के लिए मजबूर कर देती थीं। लेकिन क्या आपको पता है कि गोविंदा इन पंच लाइन को खुद लिखा करते थे? अगर आपने गोविंदा की फिल्में देखी होंगी तो आपको पता चलेगा कि वो फिल्मों में अजीब प्रकार के डायलॉग बोलते हैं, जो कि एक राइटर के द्वारा कभी लिखा नहीं जा सकता। लेकिन गोविंदा इन डायलॉग को खुद ही लिखा करते थे। इतना ही नहीं, कहते तो ये भी हैं कि गोविंदा एक ऐसे एक्टर हैं जो अपनी फिल्मों के दूसरे एक्टर्स के लिए भी डायलॉग लिख कर दिया करते थे। जानकारी के मुताबिक गोविंदा ने उनके साथ एक फिल्म में काम कर रहे अनिल कपूर के लिए भी डायलॉग लिखे थे। इस बात की जानकारी अनिल कपूर ने हाल ही में एक मीडिया इंटरव्यू को दी। अनिल कपूर ने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए बताया कि गोविंदा एक ऐसे एक्टर हैं जो अपनी फिल्म में खुद के डायलॉग क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि गोविंदा अपनी फिल्म में खुद के डायलॉग लिख लिया करते थे। अनिल कपूर ने गोविंदा के साथ अपनी फिल्म दीवाना मस्ताना का उदाहरण देते हुए बताया कि गोविंदा ने इस फिल्म में कई पंचलाइन वाले डायलॉग अपने आप लिखे थे। अनिल कपूर ने बताया कि जब मैंने गोविंदा के ये डायलॉग फिल्म की शूटिंग के दौरान सुने तो मैं थोड़ा नर्वस हो गया और बाद में गोविंदा के पास जाकर कहा, भाई थोड़े मेरे लिए भी पंचलाइन वाले डायलॉग लिख दो। इसके बाद गोविंदा ने मेरे लिए भी काफी मजेदार डायलॉग लिख कर दिए। इन डायलॉग का हमने फिल्म में इस्तेमाल भी किया, जिससे फिल्म के सीन काफी मजेदार बन गए। आपको बता दें कि गोविंदा और अनिल कपूर स्टारर फिल्म दीवाना मस्ताना 1997 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में गोविंदा अनिल कपूर के अपोजिट जूही चावला नजर आई थी। फिल्म में जॉनी लीवर की भी अहम भूमिका थी। यह फिल्म डेविड धवन के द्वारा निर्देशित किया गया था। इसके अलावा इस फिल्म में सलमान खान ने कैमियो किया था। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब लहरें।